डब्ल्यू बी येट्स की लिखी हुई है, 1919 में लिखी हुई है, 1919 में। तो वो जो समय था ना, बड़ा ही खतरनाक समय था, वो अनार्की का टाइम था। आपको याद होगा 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर में 1900 में होता, 1914 से 1918, 4 साल तक चला, लगभग 19 तक भी चला ही था। नहीं, उसी समय लिखी हुई है। तभी तो उस समय की जो समस्याएं थी, उस समय का जो माहौल था वो बड़ा ही निराशाजनक था, क्योंकि हर तरफ लूटपाट और लड़ाई झगड़े, अव्यवस्थाएँ, मर्डर्स, ये सब चल रहे थे। कई देशों में क्रांतियां भी हो रही थी, रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ था 1917 के अंदर, आपको याद हो तो। आयरलैंड के अंदर भी युद्ध छिड़ा हुआ था। तो उन सारी चीज़ों को देख करके पोइट्स जो थे इसी तरह की कविताएँ लिखते थे। जैसा माहौल होता है वैसा ही लिखते हैं, जैसे फिल्में भी वैसी ही बनती हैं जैसा माहौल होता है, जिस तरह की लोगों की फीलिंग्स होती है उन्हीं को ही प्रकट करते हैं वो चीज़ें। तो इस तरह का माहौल था, निराशा का माहौल था, डर का माहौल था, अव्यवस्था का माहौल था। उस माहौल के अंदर उसी को रिप्रेजेंट करती हुई ये पोइम है। येट्स भी उस समय काफ़ी निराश थे उस समय को देख करके। तो पोइम का नाम है द सेकेंड कमिंग। तो सेकेंड कमिंग यहाँ एक एल्यूजन है क्राइस्ट को। बाइबल में या क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि जब जब अत्याचार बढ़ते हैं, जब जब दुनिया में क्रूर लोग आते हैं, दुनिया में अव्यवस्थाएं होती हैं, तब तब भगवान आते हैं, है ना। जैसे भगवान क्राइस्ट भी आए थे, आज से 2000 साल पहले आए थे, 2000 साल हो गए ना, ये भगवान क्राइस्ट से ही तो शुरू हो रहा है ये, एक सन एक रिश्ते से, एनोडोमिनी जिसको कहते हैं। तो अब वो सेकंड कमिंग की तलाश में है। यीट्स को ये लग रहा है कि अब सेकंड कमिंग होगी, अब समय आ गया है कि सेकंड कमिंग हो। लेकिन ये सेकंड कमिंग आयरोनिकल है। आयरोनिकल का मतलब क्या है, तो वो ये रहा है कि सेकंड कमिंग होगी लेकिन क्राइस्ट की नहीं। अब तो कोई भगवान नहीं आया, अब तो कोई राक्षस ही आया है। हाँ, तभी तो ये इतनी सारी दिक्कतें हुई पड़ी। पहले तो चलो भगवान आ गए थे, पर अब भगवान आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब तो कोई ऐसी प्रेत आत्मा या कोई दुष्ट आत्मा कोई इस तरह से आ रही है, लेकिन उसको बोला सेकंड कमिंग है ये, सेकंड कमिंग लेकिन भगवान की नहीं है, ये शैतान की सेकंड कमिंग है। तो इसका टाइटल ये सेकंड कमिंग सजेस्ट करता है हमें क्राइस्ट को, क्राइस्ट का जो दोबारा आने वाला, सन ऑफ गॉड कहते हैं क्राइस्ट को। भगवान खुद नहीं थे वो, भगवान के दूत थे, भगवान के बेटे थे वो, जो दुनिया को सुधारने आए थे। तो स्थितियां तो ऐसी हैं कि भगवान के बेटे की ज़रूरत है, फिर से आना बनता है, जैसा कि भगवान का ऐसे वादा भी किया हुआ है कि जब जब होगा अत्याचार तो आएगा। लेकिन उसको अब येट्स इतना निराश हो गया है, इतना ज़्यादा मतलब कुंठित हो गया है चीज़ें देख करके, उसको उम्मीद नहीं है कि अब भगवान आएगा। वो उसको लग रहा है कि सेकेंड कमिंग शैतान की हो गई है, शैतान ही आ गया है, आ चुका है, जिस तरह की अब स्थितियाँ हैं। तो पहला स्टैंजा है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉल्कनर। यहाँ एक पक्षी का जिक्र हुआ है, फॉल्कन का। फॉल्कन बाज होता है, और फॉल्कनर होता है जो उस बाज को कंट्रोल करता है। एक आदमी होता है जो उस बाज को कंट्रोल करता है, उससे खेल दिखाता है लोगों को, वो बाज वहीं जड़ उड़ता है जहाँ वो कहता है, तभी वापस उसके पास आ जाता है, तो वो फॉल्कनर होता है। तो यहाँ पर फॉल्कनर और फॉल्कन दो मेटाफर है। ये फॉल्कन तो हैं हम लोग, और फाल्कनर है भगवान। तो अब ये कह रहा है कि फाल्कन को फाल्कनर का कहना मानना चाहिए, उसके कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि अब फाल्कन ने कंट्रोल खो दिया है, भगवान के हाथों से दूर जा चुका है वो। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, जायर होता है गोल चक्कर। तो वो जो बाज है ना, वो ऊपर गोल गोल उड़ रहा है, और वाइडनिंग होता जा रहा है उसका जायर, उसका जो घेरा है ना, वो चौड़ा और चौड़ा फिर और चौड़ा यूं घूम रहा है, और उसने फाल्कनर से कॉन्टैक्ट खो दिया है। अब भगवान उसको ना, तो वो भगवान की सुन रहा है, ना ही भगवान उसको कंट्रोल कर रहा है ना। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, अब फाल्कन ने फाल्कनर को सुनना छोड़ दिया है, सुन नहीं सकता वो, यानी भगवान से हमारा नाता टूट गया है, हम स्पिरिचुअली डिवाइड हो गए, स्पिरिचुअली एकदम खाली हो गए, आत्मिक रूप से हमारा पतन हो गया, हम भगवान से हमारा नाता बिल्कुल टूट गया। होता तो इतना कोई ब्लड शेड, इतना खून खराबा थोड़ी होता। मेयर अनार्की इज लूज अपॉन द वर्ल्ड, अब दुनिया में अनार्की छा गई है। अनार्की यानी अव्यवस्था, जब किसी का भी राज नहीं होता ना,
हर व्यक्ति अपनी मनमानी करता है उस व्यवस्था को अनार्की कहते हैं, अव्यवस्था। आर्की होता ना, आर्की, प्लूटो, प्लूटो आर्की, एरिस्टोक्रेसी, आर्की आर्की लगता है उसका मतलब कानून का राज, व्यवस्था। तो किस तरह की व्यवस्था, कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, तो अनार्की होगी अव्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। मेर अनार्की इज लूज अपॉन द वर्ल्ड, द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज, नहीं हाँ, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। अब यहाँ भी वही बात है, थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया है, फॉल अपार्ट का मतलब डिसऑर्डर फैल जाना, अनार्की फैल जाना, अव्यवस्थ हो जाना, हर चीज़ का जो सही एक क्रम होता है वो नष्ट हो जाना। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सेंटर अब होल्ड नहीं कर पा रहा है। सेंटर में दुनिया के क्या चीज़ है, भगवान है, उसकी सत्ता चलती है ना, तो वो कहता है कि अब तो भगवान भी इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहा है। मेर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, दुनिया में अनार्की छा गई है, द ब्लड टिम्ड डाई टाइड इज लूज्ड। तो एक टाइड है, टाइड तो आपको पता है ज्वार, समुद्र का पानी जो ऊपर उठता है, वो कहता है वो ब्लड डिम्ड है, ब्लड डिम्ड का मतलब खून से सना हुआ, खून से लथपथ जो टाइड है ना वो लूज हो गया है, वो फैल गया चारों तरफ। लूज होने का मतलब कंट्रोल खो देना, यानी चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है, ब्लड शेड दिखाई दे रहा है, खून का एक मास आकर जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी इज इनोसेंस, सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन्ड, और चारों तरफ मासूमियत का जो गुण है, इनोसेंस का जो गुण है, भोले भाले होने का गुण है, सीधा साधा शराफत का जो गुण है, वो ड्रोन हो गया है, वो उस ब्लड शेड के सागर में खो गया है। मासूम लोगों की अब कोई जिंदगी नहीं रही है, मासूम लोग गायब भी हो गए धरती से, हर तरफ दुष्ट लोग, दृष्ट लोग, दुष्ट लोग, मर्डरर, हत्यारे और सब वही वो हैं। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, और जो अच्छे लोग हैं वो अब पजल्ड हैं, एकदम क्ल्यूलेस हैं, एकदम उनके उनमें कोई कन्विक्शन नहीं है, किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं है उनके अंदर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, और जो बुरे लोग हैं वो पूरे एकदम जोश में, बुरे लोगों का इरादा चल रहा है ना अभी, तो वो कह रहा है वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है जोश, पैशनेट का मतलब एकदम उत्साह से, तो वो पूरे जोश में जो वर्स्ट लोग हैं, यानी अब दुर्जनों का बोलबाला है, और जो अच्छे लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो बेचारे दबे पड़े हैं, उनमें कोई आशा का संचार नहीं है। तो ये पहला स्टेंजा यहाँ ख़त्म होता है, और इस पहले स्टेंजा के अंदर स्थिति बताई है मॉडर्न वर्ल्ड की, जो उसने जिस टाइम ये कविता लिखी, क्योंकि जब वातावरण ऐसा होता है ना तो फिर आदमी के विचार और वो इसी तरह से ही प्रकट होते हैं। फिर अब स्टेंजा टू में, श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, एट हैंड का मतलब नज़दीक ही है। क्या चीज़ नज़दीक है, एक रेवलेशन होनी, रेवलेशन का मतलब है रहस्योद्घाटन होना, कुछ सरप्राइज मिलना, कोई नई चीज हो जाना। वो विकास होता है, धीरे धीरे हो जाएगा, रोज रोज करेंगे तब, कब तक होगा उसकी भी तो लिमिट होगी एक। श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, तो कोई अब रहस्योद्घाटन होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है, और सरप्राइजिंग उसको क्या लग रहा है, दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, सेकंड कमिंग इज एट हैंड, सेकंड कमिंग होने वाली है। सेकंड कमिंग का मतलब भगवान दोबारा आएगा, अभी तो भगवान ही बोल रहे हैं, अभी इसने नहीं कहा कि शैतान आएगा, अभी वो कह रहा है, अभी अब जब ये सेकंड कमिंग बोल रहा है ना, अभी हमें ये लग रहा है कि क्राइस्ट आएगा दोबारा, द सेकंड कमिंग। अब देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया कि सेकंड कमिंग, अब वो बदलेगा विचार कि वो सेकंड कमिंग नहीं जो आप सोच रहे हो, वो नहीं। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन ए वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट। अब वो कहता जैसे ही मैं ये बोलता हूँ ना कि सेकंड कमिंग आएगी, जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकलते हैं सेकंड कमिंग, तो अब मुझे ये नहीं लगता कि भगवान क्राइस्ट आएंगे। वो कहता है मेरे दिमाग में एक इमेज आती है स्पिरिटस मुंडी की। अब ये स्पिरिटस मुंडी है उस समय की जन भावना, उसको इसने स्पिरिटस मुंडी बोला है। स्पिरिटस मुंडी का मतलब हो गया उस वक्त के लोगों की कॉन्शियसनेस, उन लोगों की क्या भावना है। तो उस समय के लोगों की भावनाओं में क्या शामिल था, ब्लड शेड था, वॉर था, लड़ाई झगड़े थे, मारकाट थी, एक दूसरे पर कब्जा करने की नीयत थी।
वो कहता मेरे सामने अब वो भावना आती है स्पिरिट ऑफ मोंडी, सेकंड कमिंग कहाँ है, भगवान का तो मुझे कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। मेरे दिमाग में आती है वो स्पिरिट ऑफ मोंडी जो फुल ऑफ ब्लड शेड है, वो मेरी आंखों को ट्रबल करती है, ट्रबल माई साइट, ट्रबल माई साइट का मतलब मेरे दिमाग को खराब करती है वो, मेरी आंखों को आगे आती है तो मेरी आंखें मतलब चुंदी आ जाती हैं, मुझे परेशानी होती है उससे, उस चीज़ से, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ है। समवेयर इन सैंड ऑफ द डेजर्ट, अब वो क्या देखता है स्पिरिट ऑफ मोंडी के रूप में, एक डेजर्ट है बहुत बड़ा, सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, मिट्टी है डेजर्ट की, उसमें एक शेप मुझे दिखाई देती है विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, और वो शेप ऐसी है कि बॉडी तो उसकी लॉयन की है और उसके ऊपर सिर जो है वो आदमी का है, इंसान का है। अब उसको ये चीज़ दिखाई दे रही है सेकंड कमिंग के रूप में, क्राइस्ट नहीं दिखाई दे रहा। उसको स्पिरिट ऑफ मोंडी का ख्याल आया, स्पिरिट ऑफ मोंडी किस तरह की है, यानी उस समय जन भावना इस प्राणी की जैसी है जो दिखता तो आदमी की तरह है लेकिन उसकी बॉडी कैसी है, लॉयन की तरह। अब लॉयन का नेचर आपको पता ही कैसा होता है, खूंखार होता है वो, है ना, मार काट करने वाला होता है। लेकिन अब आदमी की जन भावनाएं उस समय की कैसी है कि शक्लें शक्लें उसकी आदमी जैसी है, बाकी सारी एक एनिमलिस्टिक है, जानवर की फीलिंग है, और वो जानवर भी सबसे खूंखार लॉयन वाला। तो वो ये कह रहा है कि मुझे एक शेप दिखती है, एक बॉडी लॉयन की लेकिन हेड मैन का, एक गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, और उसका गेज कैसा है, एकदम ब्लैंक गेज है। गेज का मतलब उसकी नज़र कैसी है, नज़र, गेज होती नज़र। हाँ, वो कहता है उसकी नज़र जो है ना एकदम ब्लैंक है, जब हम उसकी आंखों में देखते हैं उस प्राणी की तो उसकी आंखें एकदम ब्लैंक है, भाव शून्य है, यानी उनकी आंखों में कोई भी फीलिंग नहीं दिखाई दे रही, ना तो नफरत की, ना ही प्यार की, ना ही स्नेह की। इस जानवर होते हैं, उनकी आंखों में हमें कुछ दिखाई नहीं देते। और एग्जाम्पल दिया है, और पिटीलेस भी दिखाई दे रहा है वो, पिटीलेस का मतलब निर्दयी, इसमें दया नहीं है, क्रूर है, किसकी तरह, सन की तरह। अब सन कौन से सन की बात कर रहा है, डेजर्ट वाले सन की, डेजर्ट का सीन है ना, तो डेजर्ट का जो सन होता है ना वो बड़ा क्रूर होता है, क्योंकि उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन मर रहा है, कौन प्यासा तड़प रहा है, उसको ये नहीं है कि कोई प्यासा तड़प रहा है तो मैं बंद हो जाऊँ चमकना, ना वो तो चमकेगा, उसकी जान निकाल के ही रहेगा। तो यहाँ तुलना की गई है कि वो कितना क्रूर है, जो स्पिरिट ऑफ मोंडी के रूप में जो आया है, वो बॉडी ऑफ लॉयन एंड हेड ऑफ ए मैन वाला प्राणी जो है, इसको स्फिंक्स कहते हैं। आपने अगर मिस्र के पिरामिड देखे ना, तो मिस्र के अंदर पिरामिड भी हैं और ऐसी आकृतियाँ भी हैं स्फिंक्स की, जिसमें हेड आदमी का और बॉडी लॉयन की, उसको स्फिंक्स बोलते हैं। तो दिमाग में उसके ये स्फिंक्स आई है, हाँ है, इज मूविंग इन इट्स लो थाइज। अब वो प्राणी चल रहा है लो स्लो थाइज के साथ। कार्टून्स में भी है, वैसे भी है, रियल में है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज। अब वो प्राणी अपनी थाइज को मूव कर रहा है, थाइज यानी उसकी टांगे, उसकी जांगे, मूविंग कर रहा है उसकी थाइज को, स्लो बोला है यानी वो धीरे धीरे जा रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रील शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड। और जब ये धीरे धीरे चल रहा है ना, तो इसके साथ साथ डेजर्ट के पक्षी भी चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, गोल गोल घेरे में उड़ रहे हैं, रील लाया है, रील कर रहे हैं वो, रील का मतलब गोल गोल चक्कर बना के, जैसे चीले और गिद्ध उड़ती है ना। अब उसके साथ साथ चीले और वो क्यों उड़ रही हैं, वो हाँ, क्योंकि उनको पता है कि ये स्पिरिट ऑफ मोंडी के रूप का जो प्राणी है, उस समय की जन भावनाएं ऐसी थी कि वो जहां जहां जाएगा वहां लाशों के ढेर लगेंगे, और तभी उसके साथ साथ वो चीले उड़ रही हैं। तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस समय का माहौल कितना खतरनाक था, अव्यवस्था थी, यो थी। तो वो कह रहा है सेकेंड कमिंग तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, अंधेरा फिर से होता है, बट नाउ आई नो, परंतु अब मुझे पता है, दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप वर वैक्स्ड टू नाइटमेयर बाय ए रॉकिंग क्रेडल, कि अभी जो 20 centuries की जो स्लीप थी उस भगवान की, जो अभी 20 सदियां चलेगी ना, क्योंकि भगवान क्राइस्ट का जन्म मान लो सन 1 में हुआ था, तो अभी 2000 आ गया, तो 20 सदियां चलेगी। तो वो कह रहा है ये जो स्टोनी स्लीप थी भगवान की, वर वैक्स टू ए नाइटमेयर बाय ए रॉकिंग क्रेडल, एंड व्हाट रफ बीस इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट। तो आना तो खैर भगवान को था, लेकिन आप उसकी जगह कौन गया है, ये रफ बीस्ट आ गया है। रफ बीस्ट यही
जिसकी बात कर रहे थे, बॉडी ऑफ लायन एंड हेड ऑफ मैन, स्पिरिटस मुंडी जो जन भावना को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लाउचिज टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न, और बेथलेहम के अंदर ही भगवान क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो इस बार भगवान क्राइस्ट जन्म नहीं ले रहे हैं, ये जा रहा है जन्म लेने के लिए। और वहाँ का जो क्रेडल है ना, पालना, क्रेडल ना पालना, जिसके अंदर भगवान भगवान या कोई भी शिशु सोता है उसको क्रेडल कहते हैं, तो वो अब उस पालने में जा कर के ये चीज़ जन्म लेने वाली है, ये जो उसको दिमाग में अब दिखाई दे रही ना स्पिरिटस मुंडी वाली, तो वो कह रहा है इस बार तो भगवान नहीं जन्म ले रहे, इस बार बेथलेहम के अंदर कौन जन्म लेगा। हाँ, वो वहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे बेथलेहम में, और वो जन्म लेगा। तो एक्चुअल में इसने सेकंड कमिंग को आयरोनिकल वे से बताया है कि कहाँ तो हम सेकंड कमिंग का इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान आएगा, लेकिन होने वाला है उल्टा, कि सेकंड कमिंग किसकी हो रही है, शैतान की कमिंग, भगवान के रूप में इस बार शैतान प्रकट होने वाला है। ओके, इट्स आवर कम, रफ बीस्ट, इट्स आवर कम। तो इस बीस्ट का जो टाइम है वो अब आ गया है जन्म लेने का, अब ये जन्म लेगा। तो बात आपको समझ में आई भी, उस समय की जो भयावह स्थिति थी ना, उससे वो निराश था काफ़ी, और निराशा के अंदर उसने लिखी है कि मुझे नहीं लगता कि भगवान आएंगे। सेकंड कमिंग एक इवेंट का नाम है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हाँ वो जो है हमारी फीलिंग्स वो है ना, उसका हमें कोई नाम शायद नहीं है, पता नहीं, हम कहते हैं ना जब जब, अभी तो कल की अवतार होगा, हाँ उसमें सिर, हाँ ये तो फिर, हाँ तो उनको भी ये लगता है ना कि भगवान ईसा भी आएंगे, ईसा मसीह या सन ऑफ गॉड आएगा, कोई भी आए, हाँ नहीं भयावह स्थिति होगी तभी तो भगवान आएंगे ना।